भाई लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी बच्चा, इमोशनल की बात की थी, चलने पे ईएमएफ निकाल लिया था हम लोगों ने और घूमने पे ईएमएफ हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो सीबीएसई जो पूछती है आपसे, घूमने वाले की डेरिवेशन पूछती है और चलने वाले की डेरिवेशन पूछती है, क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो, डेरिवेशन में घूमने वाली? और ठीक यस है, आज बच्चे कम आए, चक्कर क्या है, 9 ही बच्चे हैं। मौसम खराब है ना सर, नेट नहीं चल रहा होगा बहुतों का। हाँ अच्छा, उर्मीद का तो मैसेज आ रहा था मेरे पास कि कहीं काम है, उसको जाना है। चलो कोई नहीं, करते हैं। अब थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ मैं सिलेबस, ठीक है जी, थोड़ा सा बियॉन्ड, ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है जी। जैसे मान लो मेरे पास डिस्क है, क्या है डिस्क? डिस्क समझते ना बच्चा? यस सर। तो ये डिस्क है भरी हुई, मान लो अंदर से सर्कल नहीं है, डिस्क है, ठीक है। तो इस डिस्क को मैं रोटेट कर रहा हूँ, मान लो ओमेगा से ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, 4 पॉइंट मार्क कर दूं ऐसे, ए यहाँ पे हिंज कर रखा है, मान लो इस डिस्क को मैंने सेंटर पे हिंज कर रखा है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। थोड़ी बुद्धि लगाओ और बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। एनीवन? नो वन, ठीक है जी। चलो, मतलब लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है जी। सुनो, ये रॉड थी मैंने, ठीक है जी। अगर इस रॉड को तेजी से घुमाऊं मैं, ये देख रही है बच्चा, ये वाली रॉड, इस रॉड को घुमाऊं तो क्या बन जाएगी? डिस्क बन जाएगी बच्चा, मानते हो? खूब तेज से घुमा रहा हूं तो कैसा नजर आएगा? डिस्क नजर आएगी। तो ये पॉइंट ए और सी, ये पॉइंट ए और सी कैसे थे बच्चा? सेम पोटेंशियल पे थे बच्चा, मानते हो? ए और सी, क्योंकि हिंज सेंटर पे था मेरे पास, ठीक है जी। ऐसे ही रॉड मान लो, ये वाली, ये बी हो गया और ये मान लो डी मान ले हम लोग, तो सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे ऐसे। तो जो सेम डिस्टेंस पे लाई करेंगे, जो सेम डिस्टेंस पे लाएंगे वो कैसा होंगे? इक्वी पोटेंशियल होंगे बच्चा, मानते हो? क्योंकि यस तो बी की जो दूरी है हिंज से कितनी है, एल है, और डी की भी एल है, ए की भी एल है और सी की भी एल है। तो फॉर्मूला क्या था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू था हिंज से, तो सबका पोटेंशियल सेम होगा मेरे पास। इसलिए जो भी पॉइंट पेरिफेरी पे है, मैंने यहां तो 4 ही मार्क किए, 4 करता, 5 करता, 6 करता, इस पेरिफेरी मतलब सर्कमफ्रेंस पे, जहां भी पॉइंट मार्क करता हूं उन सब का पोटेंशियल क्या होगा बच्चा? सेम होगा। तो ऑल पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल। ये कंपटीशन के लिए है, वैसे नहीं है, ठीक है जी। और अगर मान लो मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता इसके अंदर ऐसे, डिस्क है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस पे पॉइंट मार्क करता मान लो कोई एक्स वाई जेड या डब्ल्यू, ये पॉइंट कैसे होंगे? ये भी सेंटर समान दूरी पे है ये भी बच्चा, खुद मान के लो। लिए मतलब हाँ, इक्वी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ एक्स, पोटेंशियल ऑफ डब्ल्यू, पोटेंशियल ऑफ वाई और जेड, ये सारे सेम पोटेंशियल पे है बच्चा, ठीक है जी। अब बताओ, अगर मैं कंपेयर करता डब्ल्यू और ए को, डब्ल्यू और ए को कंपेयर करूं तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? एका हाँ, क्योंकि देखो ए की दूरी ज्यादा है इंच से, ए का डिस्टेंस इंच से ज्यादा है और डब्ल्यू का डिस्टेंस कम है। और फॉर्मूला क्या था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, जिसका एल ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा बच्चा, मानते हो? तो ए बी सी डी सारे पोटेंशियल हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पोटेंशियल है, लेकिन इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब
ए और डब्ल्यू में पोटेंशियल डिफरेंस है, बी और एक्स में, और सी और डब्ल्यू में, और जेड और डी में. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये जेई ने पूछा था एक बार, ठीक है जी, तो तुम्हें करा दिया. ठीक है जी, तो ये काम हो गया हमारा. तो इमोशनल हमने खत्म कर दिया बच्चा. इमोशनल के अंदर चलने के कारण, घूमने के कारण, सब कर लिया हम लोगों ने. ठीक है जी, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी बालक को? No, sir. चलो ठीक है, मैं आपका टेस्ट लूंगा इसका, इस चैप्टर का. ठीक है जी, संडे को. संडे या मंडे ले लूं क्या? हाँ तो छुट्टी है, मंडे ले लेंगे. ठीक, आज मैं जो करा देता हूँ, जहां तक मैं आज कराऊंगा वो मंडे टेस्ट होगा. ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चा, उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, दो से तीन नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इसमें. ठीक है जी, सेल्फ इंडक्टेंस पहले पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फिर पढ़ाऊंगा आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या पहले समझते हैं, फिर इसको डेफिनेशन में लिखवा देंगे और क्या फंडा है सब बता देंगे. सुनो देखो क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक लूप है, पहले समझते हैं ये है क्या चीज. एक लूप है मेरे पास, मान लो ऐसे, इनपुट शेप नहीं काम कर रहा. दिखना कम हो गया यार. मान लो मेरे पास एक लूप है और इसके अंदर मान लो करंट आई जा रहा था बच्चा. ठीक है जी, और ये करंट था मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज. क्या था? एंटी क्लॉकवाइज. तो बताओ बच्चा, ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही? होएगी ना, बाहर की तरफ पैदा कर रहा हूँ. करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बाहर की तरफ पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है जी, तो लाइनें उससे ऐसे निकल रही होंगी मान. तो अगर मैं इस करंट को बदल दूं, इफ आई चेंज दिस करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी बच्चा, मानते हो? यस यस सर. मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो क्या इस लूप से, क्या इस लूप से लाइनें जो फ्लक्स है बदलेगा? अरे हाँ ना बोलो. यस सर. तो फ्लक्स बदलेगा इससे, फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी नहीं आएगी? आएगी सर. तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी? अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ आई, उसका कारण क्या है? उसका कारण है करंट में बदलाव, मानते हो? Yes. भाई करंट बदला तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो इंड्यूस ईएमएफ आई. इंड्यूस ईएमएफ का कारण क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा. तो खुद के अंदर, लूप के खुद के अंदर करंट बदला तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आई. और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी, कुछ कुछ चमका आपको?
यस ठीक है, तो खुद के पाप खुद ही भुगतने पड़े, खुद के पाप खुद ही भुगतने पड़े, तो वो तो है सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आया, खुद के अंदर करंट में बदलाव आया, बदलाव आया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदली, मैग्नेटिक फील्ड बदली तो उसके अंदर से फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो इंड्यूस ईएमएफ आई, उस इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या सिस्टम क्या है। मैं जानता हूं कि जो फ्लक्स पास हो रहा है किससे, इससे वो क्या होगा बी इंटू ए, जो इस लूप से फ्लक्स पास हो रहा है वो बी डॉट ए होगा, बच्चा मानते हो? तो बी डिपेंड किस पे करता है, बी डिपेंड करता है आई पे, बच्चा मानते हो? यस यस, बी डिपेंड करता है आई पे, एरिया कांस्टेंट है बच्चा मानते हो? एरिया कांस्टेंट है और बी डिपेंड कर रहा है आई पे, तो इसका मतलब मैं ये लिख पाऊंगा बच्चा इसमें कि फाई जो है बच्चा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, लिख सकता हूँ बच्चा मैं? आना बोलो। यस सर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आऊं, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं हम एल, क्या बोलते हैं एल, एल को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। तो फ्लक्स डिपेंड करता है आई पे और फ्लक्स को हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आए, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब हमें करना क्या होगा बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए इस एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, एल आई आ गई बच्चा, मानते हो? Yes, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मुझे ईएमएफ निकालनी हो तो ईएमएफ वैल्यू क्या होती है, फैराडे लॉ से माइनस डी फाई बाई डीटी। तो मैं फाई का डेरिवेटिव ले लूं तो माइनस आ गया, एल तो कांस्टेंट है, याद रखना एल तो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो एल आ गया, और आई का मैं डेरिवेटिव ले लूं तो क्या आएगा डी आई बाई डीटी। तो इसको अंदर जो ईएमएफ पैदा होगी सेल्फ इंड्यूस्ड, वो क्या होगी, माइनस एल डी आई बाय डी टी। बात चमक रही है या ऊपर से जा रही है? आ रहा है। यस आ गया, ये मेरा ईएमएफ आ गया। ठीक है जी, अगर ये तो इसकी माइनस साइन तो सिर्फ बताता है कि अपोज कर रहा है। ठीक है जी, वैसे अगर मॉड की बात करूं इसकी मैं, तो मॉड जो आएगा इसका बच्चा वो आएगा मॉड ऑफ ई इज नथिंग बट एल डी आई बाय डी। ठीक है, अब सुनो ये इंडक्टर होता क्या है। हमारे सर्किट के तीन एलिमेंट होते हैं, सर्किट के तीन एलिमेंट हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, वो तुम जानते हो बड़े प्यार से, एक पढ़ते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटर, और तीसरा जो आप नहीं पढ़ते अब तब तक नहीं पढ़ा आपने, उसे बोलते हैं हम इंडक्टर। ठीक है, तो अब हम इंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंडक्टर मतलब क्या है, कोई लूप है बेसिकली, बहुत सारे लूप, मान लो ऐसे एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, ऐसे बहुत सारे लूप कर दो इकट्ठे में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ आएगी वो आएगी ई इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लूप लिया है, ऐसे अनंत लूप हो, मतलब बहुत सारे लूप हो तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा इसको। Yes, तो इंडक्टर जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इंडक्टर है, इसका ईएमएफ तो इतनी आती है, ईएमएफ कब आती है, कैसे बिहेव करता है, वो सीखते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडक्टर। तो ये इसका डायग्राम है इंडक्टर का। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मान लो इफ, पहला केस बोल रहा हूं मैं, इफ जो करंट पास कर रहा है इससे, इफ आई इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट पास कर रहे हैं इससे,
तो क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी? नो सर, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी. ठीक है जी. तो इंडक्टर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. हाँ, तो सिंपल सी बात है. तो अगर आई कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट है तो इंडक्टर बिहेव करता है प्लेन वायर की तरह. इंडक्टर बिहेव्स लाइक प्लेन वायर, मतलब कोई काम नहीं करता. सिंपल सी बात है, साइड में ले लो, कोई काम नहीं करेगा. बात चमक रही है? ठीक है. अब सुनो, अगर करंट बदलेगा तो ये काम करेगा. ये कब एक्टिव होता है? या तो करंट बढ़े तब एक्टिव, या करंट घटे तब एक्टिव. तो दोनों केस देख लेते हैं अपन, बढ़ने वाला भी और घटने वाला भी. केस टू की बात करते हैं, बैटरी जाने वाली है. चलो सेकंड केस. हेलो, कौन है? कौन है? अरे बंद करिए अपना, म्यूट कर अपने आपको. If, या तो करंट बढ़ेगा बच्चा या करंट घटेगा. तो पहले केस कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है. मान लो इसके अंदर करंट बढ़ रहा है तो इसको चेंज पसंद नहीं है. सिंपल सी बात है, इंडक्टर को करंट में चेंज पसंद नहीं है. तो अगर करंट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? अगर बढ़ेगा तो वो घटाने की कोशिश करेगा, और घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो करंट बढ़ रहा है. देखो, अगर करंट बढ़ता है तो वो घटाएगा. ठीक है जी. और अगर मेरे पास घटता है तो बढ़ाएगा. ठीक है जी. तो सुनो, अब ये जो है इस इंडक्टर में कितनी ईएमएफ आती है बच्चा? एल डी. अच्छा एक बात सुनो, तो मतलब वो सेल की तरह काम करता है, सेल की तरह काम करता है. अब बढ़ा रहा है ये करंट तो घटाने की कोशिश करेगा. तो सेल ऐसे बनाऊं या फिर सेल वैसे बनाऊं? मैं बताओ भाई, ऊपर वाला या नीचे वाला? करंट को घटाना है, इधर से करंट बढ़ता हुआ आ रहा है, करंट घटाना है. ऊपर वाला. ऊपर वाला क्यों? क्योंकि देखो, अगर करंट इधर आ रहा है मेरे पास, गुड शाबाश पल्लवी, तो करंट इधर आ रहा था मेरे पास, बढ़ रहा था, तो घटाने के लिए मुझे करंट इधर पैदा करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो यही वाला सेल है, जो ऊपर वाला सेल है बच्चा, वही मेरे को करंट इधर देगा, क्योंकि करंट पॉजिटिव प्लेट से बाहर आता है बच्चा. तो ये सर ऐसे बिहेव करेगा. तो अगर करंट बढ़ रहा है ना, मान लो ऐसे मैं बना रहा हूं यहाँ पे इंडक्टर, और करंट बढ़ रहा है, तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेल, ऐसे वाला सेल. और इस सेल की जो वैल्यू है ईएमएफ की, वो क्या होगी? एल डी आई बाय डीटी. बात चमक रही है? ठीक है. अब तीसरा केस देख लेते हैं हम लोग. तीसरा केस जो मेरे पास है बच्चा, वो मेरे पास अगर करंट घट रहा है मेरे पास, तो ये इंडक्टर जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा. बढ़ाने के लिए वो सेल कैसे बनाएगा? ऐसे वाला सेल बना देगा. और इस सेल की जो ईएमएफ होगी बच्चा, वो क्या होगी? एल डी आई बाय डी. इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? तो इंडक्टर है क्या चीज, समझ में आ रहा है बच्चा? यस यस. इंडक्टर या ग्रुप ऑफ कॉइल्स है, ग्रुप ऑफ कॉइल्स है मेरे पास, उसको करंट में बदलाव पसंद नहीं है. अगर करंट कांस्टेंट बह रहा है वो कोई काम नहीं करेगा, ना छेड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब ना बढ़ाएगा ना घटाएगा. लेकिन अगर करंट बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, और अगर करंट घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो जब करंट में चेंज है तभी ये एक्टिविटी शो करता है. ठीक है.
और शो हिसाब से करता है कि वो सेल बन जाता है, ठीक है जी। सेल की पोलैरिटी जज कर पाओगे बच्चा, ठीक है जी, कि बढ़ रहा है घट रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो नो सर। अब सुनो मैं आपको, हमने करंट पढ़ाया नहीं पढ़ा बच्चा? करंट पढ़ा दिया हमने, नहीं पढ़ाया था आपको? अरे करंट चैप्टर हुआ नहीं हमारा, या वो नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ करंट। चलो हमने ऑप्टिक्स भी दिया था, करंट नहीं किया। चलो कोई बात, सुनो बच्चा, मेरे को लग रहा मैंने करा दिया, चलो कोई नहीं देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं बच्चा, हम निकालने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है बच्चा। तो आपको याद है सोलेनोइड क्या होता था? याद है, याद है। तो सोलेनोइड एक सिलेंडर लेते थे हम लोग, ठीक है जी, और ठीक है जी, ये सिलेंडर लेते थे, इसके अंदर करंट कौन था हमारे पास, ठीक है जी। तो मुझे इस सिलेंडर का मान लो लेंथ दे रखी है आपको L, लेंथ L दे रखी है, और एरिया दे रखा है बच्चा आपको A। तो इसमें बहुत सारी कॉइल होती है बच्चा, मानते हो ना, बहुत सारी कॉइल थी इसमें, अनंत कॉइल थी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, स्टेप लिखवा देता हूँ आपको, स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं किसी का भी निकालने के लिए। आप क्या करोगे, उसमें फ्लक्स लिखो, जिसका भी निकालना है, सोलेनोइड का निकालना है ना, तो जिस चीज का भी निकालना है उस चीज में फ्लक्स लिखो, फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखो। एक्सप्रेशन लिख लोगे, फिर स्टेप टू क्या करोगे, phi is equal to li से कंपेयर करो, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है ना बच्चा, जो भी एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया फ्लक्स का, उसको कंपेयर करो phi बराबर li से, i को छोड़ के उस एक्सप्रेशन में जो बचता है वो आपका क्या होगा, lo। बात समझ में आ रही है कि हम क्या करेंगे, जिसका भी वो पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, हम उसके अंदर क्या करेंगे, फ्लक्स लिख देंगे, फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको कंपेयर करेंगे phi बराबर li से। इस एक्सप्रेशन में I को छोड़ के बाकी जो भी चीज बचा होगा वो क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। बात चमक रही है या ऊपर से जा रही है? आ रहा है सर। अच्छा चलो, अब मान लो मेरा ये लूप है, इस लूप में मैं फ्लक्स लिख रहा हूँ, मान लो इस लूप में फ्लक्स लिख रहा हूँ, तो बताओ सोलेनोइड में, अब इस लूप में फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, सब लोग जानते हैं बी डॉट ए बच्चा, ठीक है जी। तो मुझे B पता होना चाहिए यहाँ पे, तो हम बताओ सोलेनोइड के अंदर फील्ड कितनी होती है, μ0 Ni, शाबाश। तो B जो होता है मेरे पास वो होता है μ0 Ni, वो सेम रहती है या बदलती रहती है सब जगह, कांस्टेंट रहती है, मतलब इस लूप में भी सेम रहेगी, जितने भी लूप बनाऊंगा इसके अंदर सबके अंदर सेम रहेगी। तो मैं अभी एक लूप में लिख रहा हूँ फ्लक्स, अभी मैं एक लूप में लिख रहा हूँ, एक लूप में फ्लक्स लिख रहा हूँ।
तो बी की वैल्यू तो कितनी है बच्चा, म्यू नॉट एन आई हो गया मेरे पास। एरिया कितना बच्चा, ए दे रखा है, तो ये बन गया एक लूप में फ्लक्स, ठीक है जी। मान लो ऐसे मेरे पास टोटल कैपिटल एन लूप है, कितने हैं कैपिटल एन लूप्स दे रखे, तो बच्चा ये बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे सोलेनोइड में। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड शाबाश, वेरी गुड। तो टोटल फ्लक्स मैं फाइव टी लिख रहा हूँ, फाइव टी मतलब टोटल जो उसमें है वो होगा एन। एक लूप में फ्लक्स सब में सेम पास हो रहा है बच्चा, क्योंकि सब जगह फील्ड सेम है, इस लूप में भी फील्ड सेम है, इसमें भी सेम है, सब जगह फील्ड सेम है, तो एन टाइम मल्टीप्लाई कर दूं किससे मैं, एक फ्लक्स वाले से, तो वो था म्यू नॉट छोटा एन इंटू आई इंटू कैपिटल। बात समझ में आई बच्चा यहाँ तक? यस सर। अब इस एन की वैल्यू हम जानते हैं बच्चा, हम जानते हैं छोटा एन जो होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस कैपिटल एन की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, छोटा एन इंटू एल, मानते बच्चा? तो इस एन को यहां पुट कर दूं मैं इसमें, तो फाइव टी इज नथिंग बट छोटा एन इंटू कैपिटल एल इंटू म्यू नॉट इंटू छोटा एन इंटू आई इंटू ए। अब इस ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख दूं, मान लो इसका रेडियस दे रखा है आर, तो इस ए की वैल्यू रख दूं पाई आर स्क्वायर, तो जो बन जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट तो रहेगा ही रहेगा, छोटा एन का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, यही बनेगा बच्चा, आना बोलो। यस सर। अब इसको कंपेयर करते हैं फाइव बराबर एल आई से, कंपेयर विद फाइव इज इक्वल टू एल आई। एक काम करते हैं बस एस एल को छोटा कर लेते हैं, छोटा एल, इनमें कंफ्यूज हो गया आप लोग, ठीक है जी, दोनों एल बड़े बड़े हो गए ना, ये इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा एल और वो कैपिटल है, ठीक है जी। तो आई को छोड़ के जो बचता है बच्चा वो क्या होता है मेरे पास, एल। तो क्या बच रहा है मेरे पास, ये चीज बच रही है, तो ये क्या बन जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड बन जाएगा बच्चा, तो ये बन जाएगा मेरे पास म्यू नॉट एल की वैल्यू जो आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा एल। अब ये बताओ ये एल डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस, एल डिपेंड कर रहा है एरिया पे मान लेते हैं, ठीक है जी, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, मीडियम पे, क्योंकि म्यू नॉट टर्म जो आ रही है बच्चा वो मीडियम की टर्म होती है बच्चा, मानते हो, तो ये ना तो ये करंट पे डिपेंड करता, एल जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये याद रखना बच्चा पूछते हैं, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, क्या इस मामले में आई आ रहा है, नहीं आ रहा, आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, ईएमएफ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर पे, किस पे, फिजिकल पैरामीटर जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और मीडियम हो गया। बात चमक रही है या ऊपर से जा रही है, आ गया सर, आ गया, चलो तो अब मैंने सोलेनोइड का निकाल के दिखा दिया आपको, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ लूं जिससे आप खुद निकाल पाओगे, तरीका समझ में आया, आपका सीबीएसई हर साल यही पूछती है, सीबीएसई की इससे ज्यादा बार रेंज नहीं है, ठीक है जी, लेकिन एक सवाल करा दूं और इसी टाइप का करा दो, मुझे करना क्या है, ऑल दो ये सीबीएसई नहीं पूछेगी बट स्टिल मैं करा रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस
ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग एन टर्न्स इसमें अज्यूम कर लेना बच्चा कि आर इज वेरी वेरी स्मॉल सोच पा रहे हो अरे भाई बोलो सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो चलो मैं कराता हूँ भाई सुनो तुम बोल रहे रिस्पॉन्स दे रहे तुम कुछ मान लो कॉइल ऐसे मैं एक सिंपल एक ही ले रहा हूँ टर्न ठीक है जी और इसका रेडियस बच्चा आपको आर दे रखा है ठीक है इसका रेडियस आपको आर गिवन है तो मुझे क्या करना है इससे फ्लक्स देखना है ऐसे एन है मेरे पास ऐसे मेरे पास एन टर्न्स है मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ तो एक से लिख लूंगा तो बाकी से लिख ही पाऊंगा बच्चा तो मान लो इसमें करंट आई है मान लो इसमें करंट क्या है बच्चा आई है तो ये बताओ कि इसके अंदर फ्लक्स कितना है क्या मैं फॉर्मूला जानता हूं मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल का क्या हो गया तुम्हें बोल रहा कोई भी या मेरा नेटवर्क क्या भाई क्या हुआ भाई नेटवर्क गया क्या आ गई सर आवाज ठीक है सर ठीक है ये आई है यार एक बात सुनो हमने बात की थी कि लूप के कारण फील्ड निकाली थी हम लोगों ने एक तो एक्सिस पे निकाली थी हम लोगों ने और एक सेंटर पे निकाली थी ठीक है बच्चा क्या हमें इस पॉइंट पे फील्ड पता है क्या हमें इस पॉइंट पे फील्ड पता है इस पे पता है या इस पे पता है हमें सिर्फ सेंटर पे पता है या एक्सिस पे पता है बच्चा मानते हो Yes, तो फिर हम क्या करेंगे हम बेशर्मी करेंगे क्या करेंगे बेशर्मी करेंगे और बेशर्मी करने है, बोला भी है उसने बोला है अज्यूम आर इज वेरी स्मॉल बोला था बच्चा मैंने अज्यूम आर इज वेरी स्मॉल तो जो सेंटर पे फील्ड है जो फील्ड मेरे पास सेंटर पे है वो सब जगह मान सकता हूँ और आर छोटा है तो बच्चा है तो बेशर्मी है लेकिन अज्यूम कर रहे हैं हम लोग तो सेंटर पे जो फील्ड होती है बी एट सेंटर वो होती है मेरे पास म्यू नॉट आई बाई टू आर है ना बोलो yes, yes, तो इसका एरिया आप ए मान लेते हैं इस लूप का एरिया ए मान लिया पाई आर स्क्वायर मान लिया की बात पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं ठीक है तो फ्लक्स जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू आर
इनटू पाई आर स्क्वायर लिखो। आवाज कट ऐसी है, क्या हुआ? नेटवर्क की दिक्कत आ रही मुझे लगता है। तो ये फ्लक्स हो गया एक लूप से, किससे हो गया? एक लूप से, ठीक है बच्चा। ऐसे कितने लूप है मेरे पास? एन एन लूप बच्चा मानते हो, ठीक है। तो एन से मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, तो फाइव टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? एन टाइम्स फाइव, तो एन से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद आई को छोड़ दूं, आई को छोड़ दूं, बाकी जो बचेगा बच्चा वो क्या कहलाएगा? एल एल कहलाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है आपको, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में, जो फॉर्मूले पढ़े हमने किसमें, मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं, उसके आप बी निकालो, बी को मल्टीप्लाई कर दो जिस भी एरिया का आपका है, उससे क्या निकलेगा? फ्लक्स। एक से निकाल लो, फिर उसको एन से मल्टीप्लाई करके सबसे निकल जाएगा, वो एक्सप्रेशन किसका आएगा? फ्लक्स का। उसको कंपेयर करो किससे, पाई बराबर एल आई से, आई को छोड़ के जो बचता है बच्चा मेरे पास वो क्या कहलाता है? एल। बात चमकी? यस सर। तो ये मेरा सिंपल सा फंडा है सेल्फ इंडक्टेंस का। सीबीएसई तो सिर्फ एक ही चीज पूछती है सोलेनोइड का, बाकी मैंने आपको कॉइल का करके भी दिखा दिया है, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी बालक को? नो सर। अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हेडिंग डाल लो, एनर्जी स्टोर्ड इन। आज मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, बच्चे नहीं है ना। सर एक बार करता हूँ भाई, रुक जाए एक सेकंड, रुक जाए बस मैं लिख दूँ, ठीक है जी। ओके सर। तो सुनो, एनर्जी निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शायद पढ़ा हो बचपन में पावर का फॉर्मूला, पढ़ा तुम लोगों ने बचपन में? यस। वो तुमने पढ़ा हो, वर्क अपॉन टाइम तुमने पढ़ा होगा, ठीक है जी। और हमने ये भी पढ़ा होगा पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई, पढ़ा क्या वी इंटू आई? नहीं पढ़ा होगा। चलो सुनो, वर्क का फॉर्मूला देखो, वी था मेरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज था बच्चा, मानते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इधर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, क्यू वी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पुट कर दूं क्यू वी बाय टी, तो क्यू बाय टी ये क्या होता है, मेरा करंट होता है। जो फॉर्मूला आएगा पावर का वो क्या आएगा, वी इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता है, ये बात समझ में आ गई? आप मुझे बताओ इंडक्टर की निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, इंडक्टर में कितनी पावर होती है वो देखते हैं हम लोग। तो मैंने इंडक्टर बनाया, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज कितनी आती है बच्चा, एल डी आई बाई डी टी, मानते हो? करंट मेरे पास आई है, तो पावर निकाल लूं, पावर क्या होगा मेरे पास, डी डब्ल्यू बाय डी टी मेरे पास, ठीक है। या फिर मैं लिखूं वी इंटू आई, तो वी तो मैंने लिख दिया एल डी आई बाई डी टी इंटू आई कर दू। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? अब डी टी ने डी टी को मार दिया तो वर्क निकल जाएगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, एल आई इंटू डी आई। आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। अच्छा चलो, अब मुझे वर्क डन निकालना है, क्योंकि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों तरफ साफ कर दूं मैं। अब डी डब्ल्यू तो क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा, एल कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट तो सांप से बाहर आ जाएगा, आई डी आई
करंट की ग्रोथ कहां से हो रही है, जीरो से आई, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, एल तो बार है ही, ये क्या बन जाएगा आई की पावर वन है, तो बन जाएगा ये आई स्क्वायर बाय टू बन जाएगा बच्चा, आना बोलो। Yes, sir. तो वर्क डन का फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी, इंडक्टर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, बात चमकी या नहीं चमकी? ठीक, अब सुनो आपको करना क्या है, अब नेक्स्ट जो करना है हमें करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है। ठीक है जी, तो म्यूचुअली पढ़ लें क्या, हिम्मत है, प्राण है पढ़ने के म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले समझाता हूँ फिर इससे काम देखते, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइल थी, ये कॉइल है और इसके सामने एक और कॉइल, और इस कॉइल में मान लो करंट था, मान लो आई था, और ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ, ऐसे मान लो अजम्पशन है कि बाहर ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों कॉइल आमने सामने रखी, मैं वीडियो ऑन करता हूं बताता हूं कैसे, देख सुनो, एक कॉइल ऐसे दूसरी कॉइल बिल्कुल सामने ऐसे, दिख रहा है बच्चा? Yes, sir. तो अब क्या है बच्चा सुनो, मेरे पास इसमें करंट आई था, तो अगर आई कांस्टेंट था तो इससे सेम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होंगे बच्चा, मानते हो? सर करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए अगर ये फील्ड बाहर को कर रहा है। गलती से मिस्टेक हो गई बच्चा, मैं क्या करूं, गलती बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं उसको हटाऊंगा तो वो पूरा इन टू शेप मेरा गायब कर देता है, चल कोई बात नहीं बना देता, गलती से मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है बच्चा, अब सुन, अब दोनों आमने सामने रखे हुए हैं, तो बच्चा अगर आई कॉन्स्टेंट है तो मान लीजिए लूप ए है और ये लूप बी है, तो क्या बी से प्लस बदल रहा है? नहीं बदल रहा, क्योंकि देखो आई करंट तो लूप ए में है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बी से भी पास हो रही है। ठीक है, तो अगर आई कॉन्स्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर मान लो मैं आई को बदलता हूं, आई को बदल दूं बच्चा मैं इसमें कांस्टेंट की जगह आई को मैं बदल दूं, इसको आई को बढ़ा दूं, मान लो चेंज कर दूं, तो क्या बी से लाइनें बढ़ेंगी या घटेंगी या सेम रहेंगी? बढ़ेंगी ना, फ्लक्स चेंज होगा, अगर करंट मैंने इसको चेंज किया तो बी से फ्लक्स चेंज होगा। मानते हो बच्चा फ्लक्स चेंज होगा? तो अगर बी से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या बी में इंड्यूस ईएमएफ आएगी? Yes, आना बोलो। Yes, sir. तो बी में इंड्यूस ईएमएफ आएगी, अब बताओ ये इसे खुद के पाप है या पड़ोसी के पाप है? पड़ोसी के पाप है। ठीक है जी,
देखो करंट में बदलाव किसमें आया, ए में आया, तो पाप तो ए ने किया भाई, कॉइल को करंट में चेंज पसंद नहीं है तो करंट में चेंज पाप है, ठीक है जी, तो पाप तो ए का था, भुगतना किसे पड़ा, मी को पड़ा, तो करंट में चेंज ए कॉइल में, करंट में चेंज ए कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड दूसरे कॉइल, तो किसी दूसरे के पाप खुद को भुगतने पड़ेंगे, उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, तो बी में जो ईएमएफ आ रही है उसे बोलेंगे हम क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ए में ईएमएफ आएगी? Okay. Yes. ए में भी आएगी, क्योंकि देखो तो ए में जो ईएमएफ पैदा हो रही है उसे बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के पाप खुद को भुगतने पड़े वो तो सेल्फ इंडक्टेंस, किसी दूसरे के पाप भुगतने पड़े कि दूसरी कॉइल में करंट चेंज हुआ उसके कारण मेरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ तो मुझे मेरे अंदर जो पैदा हुआ ईएमएफ उसे क्या बोलूंगा मैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बात चमक रही है कुछ कुछ, ठीक है। अब सुनो, तो मैं लिख रहा हूं इसको, समझाता हूं कैसे करना है आपको, है ये भी आसान मुश्किल नहीं है। मैं लिख रहा हूं फ्लक्स इन बी, फ्लक्स इन बी लिख रहा हूं, वो किसके करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चा, मानते हो, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं ले आऊं तो फाइ बी को मैं लिख दूंगा एम आई, फोन नहीं है बच्चा ये, ठीक है जी, एम का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है जी, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब आपसे क्या बोलेगा वो, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए आपसे एम निकालेगा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए एम निकालेगा, मान लो आपके लिए बोल रहा है कि बी के लिए आप एम निकालो तो आप क्या करोगे, बी के लिए पूछ रहा है मान लो आपसे, तो आप क्या लिखोगे, फ्लक्स इन बी लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्लक्स इन बी लिखोगे, फिर उसे कंपेयर करोगे किससे, फाइव बी इज इक्वल टू एम आई ए, मानते बच्चा आई ए को छोड़ के जो बचेगा M. उसे हम एम बोले, बात समझ में आ गई, yes. अब फाइव बी के अंदर मैं पूछता हूं, फ्लक्स लिखने की कोशिश करते हैं, मान लो फ्लक्स लिखने की कोशिश करता हूं मैं फाइव बी, तो बच्चा फील्ड किसकी लिखेंगे हम लोग, ए की लिखेंगे बी की लिखेंगे, फाइव बी लिख रहा हूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू बी लिख रहा हूं, उसमें फील्ड किसकी लिखूं मैं, ए की लिखूं या बी की लिखूं, yes, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम ए की, ठीक है जी, क्योंकि फील्ड प्रोड्यूस वही कर रहा है, ठीक है जी, एरिया किसका लूं मैं, मान लो इसका एरिया हम मान लेते हैं ए ए और इसका मान लेते हैं ए, तो एरिया किसका लिखेंगे, बी का लिखेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेंगे, ए के या बी के, मैं मान लो एक लूप है अनंत बहुत सारे लूप हो तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन बी लिखूंगा बच्चा, मान लो दो लूप तीन लूप यहाँ पे ऐसे बना रखे हैं मैंने, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन बी लिख दूंगा बच्चा, मानते हो, ठीक है, ठीक है, तो इससे आप फाइव बी लिख पाओगे, फाइव बी लिख दोगे, जब फाइव बी पूरा लिख दोगे तब आप उस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन आएगा, हम एग्जांपल लेंगे सोलेनोइड का, ठीक है जी, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में
आप आई ए को हटा दो, बाकी जो बचेगा वो मेरा एम कैल। बात चमक रही है या ऊपर से जा रही है? ठीक है, तो अब सुनो करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में एक ही चीज है, हर साल वही पूछती है बेशर्मों की तरह, ठीक है जी। तो सुनो वो है क्या चीज, वो क्या कहते हैं कि दो सिलेंडर ले लेते हैं, मतलब दो सोलेनोइड ले लेंगे, दो सोलेनोइड ले लेंगे एक के अंदर एक, ये ले लिया एक सोलेनोइड, इसके अंदर एक और ले लेंगे सोलेनोइड एस। मैं थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ, पर दोनों की लेंथ सेम होगी। अच्छा मैं दिखाने के लिए आपको छोटा दिखा रहा हूँ, इसके अंदर लेंथ छोटी दिखा रहा हूँ मैं इसको, लेकिन लेंथ दोनों की बराबर लेंगे, मान लो एस से एल है। आपको फील आए इसलिए मैंने इसे बना दिया, ठीक है जी। तो क्या करते हैं बच्चा, दो सोलेनोइड ले रहे हैं, इसका एरिया मान लेते हैं हम लोग ए वन, इसका मान लेते हैं हम ए टू, दोनों की लेंथ सेम है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मानते हैं हम लोग एन वन, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मानते हैं एन टू, ठीक है जी। इसमें करंट मानते हैं हम लोग क्या, आई वन, इसमें करंट मानते हैं बच्चा हम क्या, आई टू, ठीक है बच्चा। तो इस सिस्टम के लिए वो आपसे क्या निकलवाता है, एम निकलवाएगा, क्या निकलवाएगा एम। तो मान लो मुझे इसके अंदर निकालना है, इस सिस्टम के अंदर मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो ये टू, मुझे फाई टू निकालना है बेसिकली। तो फाई टू निकालना है तो मैं फील्ड किसकी लिखूंगा, वन की लिखूंगा, एरिया किसका लिखूंगा, टू का लिखूंगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लिखूंगा, टू के लिखूंगा। बच्चा समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मुझे बताओ पहले सोलेनोइड के कारण फील्ड कितनी है, म्यू नॉट, म्यू नॉट एन वन, एन वन इनटू आई वन, मानते हो एन टू मैंने क्या कर दिया, ए टू, एन टू मैंने कर दिया एन टू, तो ये फाइव टू निकल गया बच्चा। खाना बोलो yes. अब इसके अंदर आई वन को छोड़ के जो चीज बच रही है वो क्या कहलाएगी, एम कहलाएगी, तो वो आ गया म्यू नॉट, छोटा एन वन, बड़ा एन टू, एन टू ए, यही बचेगा बच्चा। अब मैं चाहूं तो N2 को लिख सकता हूं क्या, मैं N2 by L is equal to छोटा N2 होगा बच्चा, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटा N2 into L, यहां भर दूं मैं इसमें, तो M की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, म्यू नॉट N1 छोटा N2 L into A, A किसका बच्चा, सेकेंड वाले। बात समझ में आई? यस सर। ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, एम टू के लिए। अब एक काम करना, घर जाके, घर तो कहता मतलब तुम घर पे हो, ठीक है जी, तुम इसके अंदर सेकेंड वाले के अंदर प्लस लिख, बिकॉज ऑफ टू के, फिर एम निकालना, इतना काम कर लेना बच्चा, कर लोगे? yes. ये कर लेना, और सीबीएसई यही पूछती है बस, ठीक है जी। और पूछ लेते किस पे डिपेंड करती है, तो आप लिख पाओगे ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एन वन पे डिपेंड कर रहा है, एन टू पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे, लेंथ पे, और कॉमन एरिया पे, और कॉमन एरिया पे, वो लिख लेना बच्चा, ठीक है जी। तो बच्चा आज इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। आज मजा नहीं आया, बच्चे कम थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आई ढंग से, तुम्हें मजा आया नहीं आया, रिस्पॉन्स दे दो यार, नो रिस्पॉन्स, चलो भाई बाय बाय। ठीक है।